हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आज का हमारा बात टेंस पर होने वाली है, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के नियम क्या है, टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर टेंस 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 मीन्स होता है काल, काल यानी समय। समझ में आ गया, टेंस मतलब होता है काल, काल यानी समय, ठीक। टेंस टेंस जो है थ्री टाइप्स के होते हैं। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स। टेंस थ्री टाइप्स के होते हैं यानी तीन प्रकार के होते हैं। हर छोटे बड़े बच्चों को पता है, हर बूढ़े बच्चों को पता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। लेकिन उनका कहानी बीच में समस्या आती है। बीच में टेंस का कहानी जो बीच में समझना होता है, बीच में लोग जाके कंफ्यूज होते हैं कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसका नियम क्या होता है। आज सब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग मेरे वीडियो को जरूर से जरूर देखें, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है टेंस क्या है, तीन प्रकार के होते हैं यानी थ्री टाइप्स का। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। समझ गए आप लोग। प्रेजेंट मतलब होता है प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, जो इस समय चल रहा है। पास्ट मतलब जो हम किसी कार्य को कर चुके हैं, जो बीत चुका है, बीत चुका था, ठीक है, यानी भूतकाल। फ्यूचर मतलब आने वाला कल, जो होगा आगे, जो होने वाला है, इसी को तो हम लोग कहते हैं काल। यानी जो वर्तमान है, जो भूतकाल है, और जो होगा, जो होने वाला है, जो होगा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। आप लोग समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए, इन लोग को ये जो टेंस है, इन लोग को 12 12 यानी 12 12 टाइप्स के बारे में बांटा गया, ठीक है। 12 टाइप्स के होते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस क्या है, पहले इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो आपका दिख रहा है प्रेजेंट, इसी को हम इसमें साथ में बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टैंड। अब दिया आ गया, तुम आपका आ गया पास्ट। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना समझ में आ गया। अब आ गया आपका फ्यूचर। क्या आ गया आपका, फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि आपको इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, हमको 100% हमको लग रहा है, हमने जो इतना आपको मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इसको लर्न करने के लिए यही मेन तरीका अच्छा है, एक बार इसको लिख लीजिए। सारी चीज़ें तीनों सेम है, यहाँ पे जो तीनों का जो दिया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीनों का मतलब क्या है, सब सेम है। बस इसके पीछे क्या लगा देना है, प्रेजेंट लगा देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ऐसे लगा देना है आपको। यानी पास्ट फ्यूचर आपको ऐसे ही आपको लगाकर जो है इसके 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 आगे जो है, इसके फर्स्ट वाले आगे पे जो है लगाकर बोल देंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग। आप लोग इसे अच्छे से नोट करो, आप चाहे तो रफ कॉपी ले लो, इस पे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं भाई। आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। आज का वीडियो जो है मैं टेंस पढ़ाऊंगा, आप लोग का 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आप कहा हूँ, अब टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, टेंस का हेल्पिंग वर्ब के नियम, ठीक है। आपको मैं यहाँ में बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब के नियम क्या है, हेल्पिंग वर्ब के नियम। देखिए आप लोग यहाँ पे दिया है इज वाज हैज डोज, इज वाज हैज डोज, ठीक है। आर वेर वर वेर कहो या वर कहो, वेर हैड डिड विल, ये सब क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब का, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब सारी चीजें क्या आपका,
ये तीनों जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जो तीनों लाइनिंग में जो दिया गया, जो लिखा गया है, आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब समझिए इनके साथ सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या यूज होता है, सब्जेक्ट में के साथ में क्या क्या यूज होता है। जैसे मान लीजिए ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये तीनों को मिलाकर ये किसके साथ होता है, इनके साथ, इनके साथ यूज होता है। किसके साथ, इनके साथ, समझ गए आप लोग। यानी कि ही सी इट, इट वाज, अरे इज वाज हैज डोज, इन सब के साथ यूज होता है, समझ गए आप लोग। आप लोग यहाँ पर देखिए, देखिए आपका दिया है प्रेजेंट टेंस, या आपका क्या लिखा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का पहचान में यहाँ पर सब लिखा हुआ है। इसका इसका देखिए यहाँ पर नियम देखिए सब दिया गया है। टेंस का पहचान क्या होता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, ता है, ते है, ती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें जो है एस लगाया जाता है और ई एस लगाया जाता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर भी आप जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रहे हैं, यानी इज, एम, इज लग सकता है, इज लगेगा, इज और एम लग सकता है, और आर भी लग सकता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, समझ गए आप लोग। फिर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, इसमें क्या लगेगा, इसका इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज, अरे इसका पहचान क्या है, पहले से रहा है, से रही है, यानी कि हैज, हैव, बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस और आवर, फॉर, इसका हेल्पिंग वर्ब यही है, ठीक है। फिर से देखिए इंडेफिनिट का पहचान क्या है, ता है, ते है, ती है, फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ई एस। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, रहा है, रहे हैं, तो इज, एम, आर, प्लस वी, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, यानी कि हैज और हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पर प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का से रहा है, से रही है, हैज, हैव, बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस सिंस और फॉर। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका पहचान हो गया, ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस का नाम हो गया, यानी कि प्रेजेंट टेंस में क्या होते हैं, समझ गए आप लोग। अगर आप लोग नए हो तो हमारे पीके इंग्लिश गुरुजी का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, ठीक है, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो है आपके पास तुरंत जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है अभी मैंने देखिए आप लोग है इसमें जो है बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब है, अभी मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, कुछ हेल्पिंग वर्ब के कुछ कुछ अलग नियम होते हैं। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के नियम, यानी कि सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट, समझ गए आप लोग। फिर यहाँ पर ध्यान नेगेटिव टेंस होता है नकारात्मक टेंस, यानी सब्जेक्ट फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए आप लोग। फिर दिया है इंट्रोगेटिव टेंस होता है प्रश्नवाचक टेंस, यानी कि प्रश्नवाचक टेंस। तब दिया है हेल्पिंग वर्ब, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस कर देंगे हम वर्ब हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक, ऐसे आपका हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंस यानी कि इसमें क्या है, नकारात्मक वाले प्रश्नवाचक टेंस, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाले शब्द, यानी कि टेंस, इसमें पहला हेल्पिंग वर्ब लगेगा फिर प्लस हो जाएगा आपका
फिर इसमें आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस करके नॉट हो जाएगा, प्लस करके वर्ब हो जाएगा, फिर प्लस करके ऑब्जेक्ट। ये आपका थे कुछ नियम जो हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जब करते हैं तो उसमें आपके चार नियम पाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग? आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, आप चाहें तो इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर सकते हैं अच्छे से इसे समझने के लिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखिए आपका यहाँ पे जो है मैं कुछ ट्रांसलेट बता रहा हूँ, यानी कुछ मैं ट्रांसलेशन में बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, और इसका पहचान और इसका हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, समझ गए आप लोग, यानी ता है, ते है, ती है। अब देखिए यहाँ पे दिया है वह जाता है, वह जाता है, यानी कि इसमें आ गया आपका ना ता आ गया ना, ता है ना, ता है, ता है, देखो यहाँ पे ता है। तो He goes, समझ गए आप लोग, he goes यानी वह जाता है, इसमें es लगा है, समझ गए आप लोग। es क्यों लगा है, जहां पर एक वचन है ठीक, और जहां पे बहुवचन है वहां पे s लगता है, समझ गए आप लोग। यहां दिया है वह जाता है, एक वचन है तो उसमें एस लगा दिया जाता है, जब बहुवचन है तो उसमें एस नहीं लगता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब दिया मैं खेलता हूं, यानी मैं खेलता हूं, आई प्ले, क्या हो जाएगा इसका, आई प्ले, समझ गए। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें बस आपका क्या लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है बस, और इसमें आपका क्या है, ही जो है, ही भी हम, ही जो है आपका सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। आप देखते हैं, आप देखते हैं, यू वॉच, क्या हो जाएगा, यू वॉच, समझ गए आप लोग। इस तरह से आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, यानी उसका ट्रांसलेट, वह जाता है, ही गोज, मैं खेलता हूं, आई प्ले, आप देखते हैं, यू वॉच, समझ गए आप लोग। अब यहां दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है रहे हैं रही है, ठीक है। वह जा रहा है, अब देखिए वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, समझ गए आप लोग। अब चल जाएगा I am playing, समझ गए आप लोग। आप देख रहे हैं, you watching, समझ गए आप लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग एक बार, आप लोग इसको नोट कर लीजिए आपको समझने के लिए, ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ही आपका जो है सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, या आपका गोइंग क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी है, ठीक है। अब इसमें जो है आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है, आई एम क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें प्ले आपका क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
और प्लस आईएनजी, समझ गए आप लोग। फिर इसमें दिया यू, यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, और इसमें वाचिंग यानी कि सब्जेक्ट, और आपका क्या है वाच, क्या है आपका वाच मतलब देख, देखते हैं या देखा, यानी वाच आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपका सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या क्या हो सकता है, इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। देखिए हम इसे सब्जेक्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ही हो गया, आई हो गया, यू हो गया, ठीक। इज एम आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, लेकिन यू यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, इसमें क्या आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान क्या है, चुका है, ली है, लिया है, ली है, दी है, ये सब, ठीक है। अब सर इसका हेल्पिंग वर्ब कह दिया सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए वह जा चुका है, मैं खेल लिया हूँ, मैं खेल लिया हूँ, समझ गया आप लोग। देखिए वह जा चुका है, मैं खेल लिया हूँ, आपने कलम ले ली है, आपने कलम ले ली है, समझ गए आप लोग। तो चलिए मैं इसका पहले मैं ट्रांसलेट करता हूँ। अब बात किया जाए वह, तो वह क्या है आपका सब्जेक्ट है, वह क्या आपका सब्जेक्ट है, तो मैं पहले ही लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, ही। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हैज ये हो या है, तो पहले हम तो यहाँ पे हैज लगेगा, ठीक हैज हो गया। अब जा चुका है यानी कि जा का क्या होगा, गॉन, गॉन क्या होगा, गॉन, गोन, ही हैज गोन, समझ गए आप लोग। ये गोन क्या है, गो का थर्ड फॉर्म है, गो का क्या है थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब दिया है मैं खेल लिया हूँ, आई, देखिए आई, आई जहां आता है, जहां आई और यू आता है वहां पे हम हैव लगाएंगे, अपने के लिए क्या लगेंगे यू हैव, समझ गए, अपने और आपके लिए क्या लगाएंगे हैव, और मैं के लिए भी हैव लगाएंगे, ठीक। जैसे मैं खेल लिया हूँ, आई हैव प्लेयर, आई हैव प्लेयर, प्लेयर, ठीक है, समझ गए आप लोग। आपने कलम ले ली है, यू हैव टेकन, यू हैव टेकन दिस पेन, दिस पेन, समझ गए आप लोग। ये आपका पॉइंट लगाना जरूरी है, यानी फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, यानी कि यू हैव टेकन दिस पेन, इसमें टेकन क्या है आपका थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें देखो आपका क्या है, आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपका टेकन क्या है, आपका टेकन जो है ली है, ली है मतलब इसका जो है आपका सेकेंड फॉर्म क्या है, आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड सेकेंड फॉर्म फॉर्म है, और दिस पेन, पेन क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, समझ गए आप लोग। फिर दिया है प्रेजेंट, प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें दिया है से रहा है, से रहे हैं। अब इसका देखिए इसमें क्या होता है, इसमें समय फिक्स रहता है, इसमें क्या है टाइमिंग फिक्स। इसके बारे में क्या दिया है, कोई चीज एकदम समय से हो रहा है, कोई चीज क्या है समय से हो रहा है, कोई चीज कब से हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं, जो कब से हो रहा है समझिए वो फिक्स है। अब ये हो रहा है, होने वाला है, कब से होने वाला है, ये कोई टाइम इसमें फिक्स नहीं है। अब हम सिंस कहाँ लगाएंगे, जहाँ हो चुका है, फॉर जहाँ है, जहाँ चलता हो रहा है, तो चल जो चल रहा है बराबर, ठीक है। सब्जेक्ट है प्लस, फिर हैश प्लस, फिर है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें आपका रहेगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, यानी कि हमेशा हैज के साथ क्या है बीन का यूज होगा। हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, किसके साथ, इसके साथ। अच्छा ये हैज आया कहाँ से, हैज कहाँ से आया है, जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट, यहाँ परफेक्ट टेंस है ना, इसमें हैज लगा है, हैव लगा है, इसी का जो हैज और हैव का यूज इसमें आया हुआ है, जो यहाँ पर दिया है परफेक्ट। समझ गए आप लोग, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हैज बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस सिंस और फॉर। समझ गए आप लोग, मेरी कहने का मतलब आईएनजी जिसमें आईएनजी लगता है वो चौथा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर दिया गया देखिए, आज शाम से बादल गरज रहा है, आज शाम से बादल गरज रहा है, समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पर दिया द क्लाउड्स हैव बीन, यहाँ पे क्या दिया द क्लाउड्स हैव बीन। देखिए आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या है सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो चुका है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आया है। थर्ड रिंग मतलब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है थंडर, फिर आईएनजी जो है लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप लोग का आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा हुआ है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसमें हैव बीन लगा हुआ है, ये बस मैं आपको बताने के लिए मैं बता रहा था। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगने के बाद, प्लस आईएनजी लगने के बाद आपका सिंस या आवर फॉर, तो यहाँ सिंस लगेगा, सिंस दिस इवनिंग, यानी शाम से गरज रहा है, बादल क्या है आज शाम से बादल गरज रहा है, आज के शाम से बादल गरज रहा है। समझ गया आप लोग, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप लोग नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपका पीके इंग्लिश गुरु जी का जो चैनल है, पीके इंग्लिश गुरु जी का जो चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर से जरूर करें, ओके। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका पास्ट टेंस, आपका भी मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान काल के बारे में बताया इसके पहले। अब आपका आ गया पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या होता है भूतकाल, भूतकाल यानी बीता हुआ समय, यानी बीता हुआ समय दिया है इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ली थी, दी थी, लिया था, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, समझ गया आप लोग। फिर दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रहे थे, वाज और वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगेगा, समझ गए आप लोग। फिर दिया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, अब पर क्या दिया हुआ है पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी चुका था, लिया था, दिया था, यानी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। फिर आपका दिया हुआ है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इसका क्या है पहचान, से रहा है, था, से रही थी, यानी हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
प्लस फॉर, यही कि इसमें आवर हो सकता है, कहीं जो लग सकता है, सिंस आवर फॉर। समझ गया आप लोग? आप लोग इसे नोट करते रहिए, नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर दिया गया है वह जाता था, इसका क्या हो जाएगा? ही वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ही वेंट। वेंट आपका क्या है? ये आपका जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, समझ गए आप लोग? आप खेले, क्या है? आप खेले, खेले का क्या होता है? आप खेले यानी इसमें जो है आपका वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म यूज होगा, यू प्लेयड, प्लेयड। समझ गए आप लोग? फिर यहां पर दिया आपने देखा, यू यू वॉच्ड, यू वॉच्ड। अब यहां पे समझ में आ गया? फिर से देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है? आप लोग घबराइएगा मत, आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाए, आप लोग उसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। आप लोग इसे से आप इसे अच्छे से जो है कॉपी लेकर आप इसे अच्छे नोट्स करिए, आप उसको समझिए। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, इसका पहचान क्या होता था? लिया था, ली थी, दी थी। अब देखिए यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए आप लोग? देखिए वह जाता है, ही वेंट, आप खेले, यू प्लेयड। प्लेयड क्या है आपका? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आपने देखा, यू वॉच्ड। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। रहा था, रहे थे, रही थी। समझ गए आप लोग? देखिए इसका यह है, वह जा रहा था, तो इसे हम क्या करेंगे? ही वाज गोइंग। समझ गए आप लोग? ही वाज गोइंग हो गया। अब इसको यहाँ अब इसको कैसे करेंगे? देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वाज लग गया, वाज है तो वर लगाएंगे, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। समझ गए आप लोग? फिर देखिए मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। आई वॉज प्लेइंग, इसमें वही मैट वही इसमें भी वही मैटर है। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज आपका वाज है तो वर लगाएंगे, नहीं तो फिर आपका प्लस करने के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर आपका आईएनजी लग गया, यानी प्लेइंग हो गया। समझ गया आप लोग? आप देख रहे हैं, यानी आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या? आप देख रहे हैं तो इसमें क्या लगाएंगे? यू वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम यू वर, वेर कहो या वर कहो, यू वर वॉचिंग, यू वर वॉचिंग। समझ गए? समझ गए आप लोग? आप लोग इसे अच्छे से नोट करिए, आप लोग इसे अच्छे से पूरा जो मैं सारा जो चीजें मैं बताया हूँ, जो मैं सारा लिखा है, आप इसे अच्छे से नोट करो, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करते चलिए कॉपी पर। देखिए यहां पर दिया है पास्ट,
पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, ली थी, लिया था, इसका पहचान है। समझ गया आप लोग? इसका इसका क्या दिया है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? अब मैं इसी के आधार पर मैं आपका बताऊंगा, मैं करने वाला हूँ। जिससे वह, अब वह क्या है आपका? वह का इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका हेड दिया है, हेड लगा दिए। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? वह जा चुका था, इसका क्या होगा? देखिए, जैसे गो का गन, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो का क्या होगा? गन होगा। क्या होगा? गोन। गन नहीं, गन मिस होता है, वो होता है, क्या बताएं, याद नहीं आ रहा है। अपन गोन बोलेंगे, गोन, गोन थर्ड फॉर्म है, गोन। समझ गया आप लोग? अब दिया, मैं खेल लिया था, आई हैड प्लेयर्ड, आई हैड प्लेयर्ड। समझ गया आप लोग? आई हैड प्लेयर्ड। आपने घड़ी ले ली थी, तो हम क्या लिखेंगे? यू हैड टेकन द क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, क्लॉक। समझ गया आप लोग? आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, जल्दी से आप लोग मेरे पीके गुरु जी का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द, ताकि हमारा कोई भी वीडियो हो आपके नए आपके मोबाइल पे मेरा नया नया नोटिफिकेशन वीडियो का जाए। ठीक है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। से रहा था, से रहे थे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, हैड नहीं रहेगा, हैड बीन प्लस रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर, ये यूज होगा। ठीक है? अब यहां पे दिया हुआ है आज, आज आज शाम से बादल गरज रहे थे, आज शाम से बादल गरज रहे थे, मतलब आज ही, मतलब शाम को, जिसे मैंने जिसे रात हो गया है, मतलब ज्यादा रात हो गया, तो मैं क्या कहूंगा? आज शाम से बादल गरज रहे थे, जब रात हो गया, ज्यादा जब रात हो गया था तब। द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग, यानी बात किया जाए तो आपका हैड बीन, यहाँ देखो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है क्लाउड्स, हैड बीन है तो हैड बीन है आपका, भी मतलब तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है थंडर, फिर आईएनजी लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। फिर आपका सिंस, यहाँ सिंस दिया है, फिर कब से? दिस इवनिंग, यानी दिस इवनिंग। समझ गए आप लोग? आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। मैं 3 घंटे से खेल रहा था, मैं 3 घंटे से खेल रहा था, मैं 3 घंटा से, मैं 3 घंटा से खेल रहे, 3 घंटे से, 3 घंटा से, कोई मतलब नहीं, सब मतलब की है। ठीक है? आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, यानी कि आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, 3 घंटे से। कौन से 3 घंटे से? कब से 3 घंटे से? कौन से 3 घंटे से? इसमें टाइम फिक्स नहीं हो रहा, हमने कब खेला 3 घंटा, कब खेला हमको इसमें कोई, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है? फिर यहां पर दिया गया है आपका, बताया गया है यहां पर, आज शाम से बादल गरज रहे थे, मैंने कब विचार किया, मतलब आज की देरी मैंने अपने आप से पूछा, लोगों से पूछा, आज शाम से बादल गरज रहे थे, यानी कि शाम कब हुआ? 3, 4, 5, 5 या मतलब शाम, शाम कब होता है? 3 बजे से लेकर आपका शाम होने शुरू हो जाता है। ठीक है? यानी कि 4 बजे से, 5 बजे से,
इसमें टाइम तो दिया नहीं है, बस गरज रहे थे कब से, शाम से बाद, इसमें क्या दिया, शाम से मतलब है, शाम से बादल गरज रहे थे, इसलिए हम सेंस लगाए हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये जो सारा जो मैं आपका लिखवाया हूँ, जो मैं बताया हूँ, आप लोग इसे नोट करते चलिए ताकि आपको समझ में आए। अब आपका आ गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल, क्या होता है भविष्य काल। भविष्य काल मतलब आने वाला काल, आने वाला कल, समझ गया आप लोग। अब दिया है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या दिया है, गागी विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समझ गया आप लोग। फिर यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, रहा होगा रहे होंगे, इसका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगेगा, ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा लिया होगा, यानी विल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से रहा होगा से रही होगी, इसका सूत्र, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर प्लस सिंस आवर फॉर, यही आपका फार्मूला है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे आपका जो है हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, जो आपका बॉक्स बना है वो आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जितने भी टेंस करना है, जिसकी भी जितने भी आपको ट्रांसलेशन करना है टेंस का, यानी जो भी आपको टेंस पढ़ना है उसका जो ट्रांसलेशन करना है, जो बॉक्स में बना है, ये आपका क्या है, सब हेल्पिंग वर्ब है, सब क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है आपका, क्या है आपका, है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, है हेल्पिंग वर्ब है, ये सब क्या है आपका, पहचान है, किसका पहचान है, भविष्य का, यानी कि फ्यूचर टेंस का पहचान है। गा गी गे, रहा होगा रहे होंगे, चुका होगा लिया होगा, से रहा होगा से रही होगी, समझ गया आप लोग। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसे नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं हम ऐसे ऐसे हम बता दे रहे हैं, आप चाहें तो सुन के भी समझ सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं ऐसे जो बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ आप उसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। दरअसल आपका इच्छा है तो आप उसे काबिल में नोट कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखें, ठीक है। और आप लोग जल्दी से हमारा पीके इंग्लिश गुरु का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या है, इसमें दो फायदा है, पहली बात थी आपके वजह से मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, हम जब भी कोई वीडियो बनाएंगे आपके मोबाइल पे तुरंत नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर जाएगा, ठीक है। ये आपका चैनल है, समझ गए आप लोग, आप लोग मेरे हैं, ठीक है। आपका आ गया, देखिए अब मैंने आपको भी हेल्पिंग वर्ब बताया, सब सारी चीजें मैंने बताया आपको। अब देखिए यहाँ पे दिया है फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या है, गा गे गी, वह खाएगा, तो पहले हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, समझ गया आप लोग। फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में विल इट, ही विल इट, मैं का क्या होता है, आई होता है, आई विल खेलूंगा, खेलूंगा मतलब प्ले, आई विल
समझ गए आप लोग। पहला आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका विल हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, समझ गए आप लोग। आप देखेंगे यानी आप देखेंगे यानी क्या आप देख रहे हो, यानी आप देख रहे हैं, देख रहे होंगे, आप देखेंगे, आप देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे तो यू विल वॉच, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दिया गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या दिया है, रहा होगा, रहे होंगे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हो गया, फिर प्लस हो गया, विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए वह खा रहा होगा, वह खा रहा होगा, बस इसी के आधार में बैठा दूंगा आपको, बस इसी के आधार पर आपको सॉल्व कर देना है, जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, आपका जो पूरा जो आपका ये आपका फार्मूला है, आपका क्या है पूरा, ये आपका फार्मूला है, जो आपका बॉक्स है, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सब क्या है फार्मूला है, क्या है आपका सूत्र है सब, हम इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपका ही हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब में क्या है, विल बी है, विल बी है, फिर आपका इसका इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, खाना का, ईट, फिर आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग हो जाएगा, समझ गए आप लोग। मैं खेल रहा हूंगा तो इसका हो जाएगा आई, यही जो फार्मूला है, देखिए आई क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका आई सब्जेक्ट हो गया, आपका विल आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब हो गया, विल बी आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर आपका इसका फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले, क्या होता है प्ले, प्ले होता है, फिर इसमें आई एन जी लगा देंगे, क्या लगाएंगे हम आई एन जी, आपका हो गया सॉल्व, क्या लगा दिए हम आई एन जी लग गया, ठीक है, समझ गया आप लोग। अब यहाँ पे दिया गया है आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, तो दिया है यू यू विल बी वॉचिंग, नोट कर लो, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे समझ लीजिए, ये आपका सब फार्मूले पर सेट है आपका, ये आपका जो आपका बॉक्स बना है सब क्या है फार्मूला है, सब क्या है फार्मूला है, ठीक है, समझ गया आप लोग, आप लोग इसे अच्छे से नोट करो। आपका फ्यूचर परफेक्ट, आपका क्या आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका पहचान क्या है, चुका होगा, लिया होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब आप जितने भी ये बॉक्स वाली जो आप देखे होंगे, ये आपका क्या है हर टेंस का फार्मूला था, क्या था हर टेंस का फार्मूला था, जैसे सब्जेक्ट हो गया प्लस विल हो गया, हैव हो गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हर टेंस के नियम के हिसाब से सबका फार्मूला अलग अलग है, ठीक है, आपको इसमें यही जानना है और इसी के आधार पर आपको करना है। चलिए इसी के आधार पर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब वह है तो ही लगा देंगे, विल है, अब लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है लिखना का, यानी फ्यूचर का, तो रिटर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा डब्ल्यू आर आई टी रिटर्न, समझ गया आप लोग, रिटर्न विल यानी ही विल हैव रिटर्न। एंड देखिए आपका यहाँ हो गया, इसका जो है इसका यहाँ पे सेट हो गया, ये आपका इसका हो गया, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं खेल लिया हूंगा, मैं खेल लिया हूंगा, इसमें क्या हो जाएगा आई आई विल वी
नहीं वी नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। आई विल हैव, फिर आपका यहाँ पर दिया है खेल, यानी कि थर्ड फॉर प्लेयड प्लेयड, ठीक है समझ गया आप लोग। आपने घड़ी ले ली होगी, आपने घड़ी ले ली होगी। अब देखिए यू विल हैव टेकन क्या आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, टेकन क्लॉक CLOCK क्लॉक, समझ गया आप लोग। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, आपका क्या है इसी के आधार पर सब है। ये देखिए आपका लास्ट वाला जो आपका दिया है ना, आपने घड़ी ले ली होगी, लास्ट वाला जो आपका पूरा फॉर्मूला सेट है, इसी पे देखो आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ आपका विल भी हो गया, फिर आपका टेकन आपका थर्ड फॉर्म हो गया, आपका जो घड़ी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, घड़ी आपका क्या ऑब्जेक्ट हो गया, यानी क्लॉक आपका क्या ऑब्जेक्ट हो गया, समझ गया आप लोग। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए ये दोनों जो है आपका यहाँ तक आपका फार्मूला सेट है, और आपका लास्ट वाला जो है पूरा यहाँ तक, ठीक है समझ गया आप लोग, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आपका दिया गया है यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, से रहा होगा से रहे होंगे, ठीक, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर। देखिए राम 3 घंटे से सोता रहा होगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, राम क्या लिखेंगे, पहले हम राम विल हैव बीन अब वर्ब का स्लीपिंग है कि वर्ब का स्लीपिंग रहेगा थर्ड फॉर्म, अरे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस एल स्ली स्लीपिंग, कितने बजे से स्लीपिंग फॉर, स्लीपिंग फॉर 3 hours, समझ गया आप लोग। अब इसे बात किया जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब आपका जो है यहां से यहां तक है आपका विल हैव, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें आपका क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये आपका स्लीपिंग में क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लगा है, फॉर है तो फॉर लगाएंगे, फिर 3 hours, 3 hours क्या है आपका टाइम, कौन सा टाइम फिक्स ये नहीं पता। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ दिया है द क्लाउड्स, क्या लिखेंगे हम द क्लाउड्स, आप देखिए ध्यान से द क्लाउड्स, द क्लाउड्स, द क्लाउड्स, द क्लाउड्स हैव बीन, अरे विल हैव बीन, विल हैव बीन थंडरिंग, क्या लिखा है थंडरिंग, थंडरिंग
ये आपका समझ में, आप लोग देखिए यहाँ पर आपका देखिए पी के इंग्लिश गुरु जी का चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, पी के इंग्लिश गुरु जी का चैनल सब्सक्राइब करें, समझ गए आप लोग, थंडरिंग। अब यहाँ पे दिया है शाम से बस रहे ना, तो पहले शाम से बस, यहाँ देखिए शाम से बस है, सेम सेंस लगेंगे, क्या लगेंगे यहाँ सिंस दिस इवनिंग, सिंस सिंस द इवनिंग, सिंस दिस सॉरी द नहीं जाएगा, सिंस दिस इवनिंग, सिंस दिस इवनिंग, समझ गया आप लोग, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा